बटन बंद करिए मिस्टर। नहीं यार बटन खोल दिया। बंधन बंद करिए, बंद बंद बंद। यस ये अक्षु का भी खुला है, कल मैं दोनों बंद करके भेज दी। नहीं बंद कर, बंद कर। क्यूटी पाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज मैं फिर से अक्षित को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और मैंने इसका बैग हैंग किया हुआ है। चलते हैं अक्षित के स्कूल। अक्षित गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मैं स्कूल जाऊंगा। और आज की अक्षित लंच में क्या ले जा रहे हैं? मैगी। बहुत दिनों बाद अक्षित ने बहुत सारा डिमांड किया, सुबह सुबह रिक्वेस्ट किया, तो मैंने आज दे दिया है। बट डेली नहीं दूंगी, पता है। ठीक है। इसको तो लगा रहा हूं अभी भी लगा रहा हूं। कहां मीठा लगा रहा हूं का? इससे अच्छा है। जय भोले बाबा। जय भोले नाथ। जय भोले बाबा। एवरीवन, तो अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया है और मेरे बेटे को कुछ खाने का बहुत मन हो रहा है। पापा लाए थे बाहर से, बट मैंने सोचा घर पे बनाते हैं, तो चलते हैं बनाते हैं आप लोग के साथ। इसकी वीडियो भी शेयर करते हैं, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी अक्षय स्कूल से आए नहीं है, अभी 10-15 मिनट में आने वाले हैं, उससे पहले बना लेते हैं। चलते बनाते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये है मैदा, ये है वाटर रिफाइंड ऑयल, ये है मीठा सोडा और ये है सॉल्ट। तो इन सब सारी चीजों से मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारा। आई थिंक इसे वही बोलते हैं हम लोग, इसे वो क्या बोलते हैं जिसे हम लोग, मेरे हस्बैंड हैं सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ यक्षु के लिए। देखते हैं कैसा बनता है, अगर अच्छा बना तो और ज्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा बना रही हूँ। क्या बोलते हैं इसे? नमक पारा। हाँ नमक पारा ही बोलते हैं। तो चलते हैं इसे बनाते हैं और देखते हैं यक्षु को पसंद आता है कि। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारा, आप लोग क्या बोलते हैं इसको कमेंट में बताना। तो ये मैंने मैदा लिया बताया मैंने, और इसमें मैं एक पिंच थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है ना क्रंचीपन इसका आए। और इसमें डाला रिफाइंड ऑयल, आप घी भी डाल सकते हो, मैंने रिफाइंड डाल दिया। और ये ग्राउंडनट जो ऑयल होता है ना वो है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से, ताकि इसका जो कुरकुरापन है वो रहे, खसखस हो। और इसमें वाटर से हम इसे गूँथेंगे। तो यहाँ पे मैंने वाटर लिया है और इसे गूँथते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मैं तो भूल गई थी कि बनाना है यक्षु के लिए, बट मेरे हस्बैंड को याद था, उन्होंने बोला कि ज्योति तुम बोली थी कल बनाने के लिए, तो चलो बनाओ, तो टाइम था तो हमने बना लिया। तो मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है ना, गीला हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमें वो कलौंजी चाहिए थी ब्लैक वाली, जो कि थी नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो हस्बैंड मेरा देखिए दिमाग इनका कितना तेज है, पंचफोरन में से ये कलौंजी निकाल के और फिर इसमें डाल दिया। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर गूँथ के। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कटिंग कर रहे हैं, इन्होंने बोला मैं कटिंग कर देता हूँ। तो इसे काटने में बहुत मज़ा आता है। बचपन में तो हम लोग इसके लिए बहुत लड़ाई करते थे, जब मम्मी गुजिया वगैरह बनाती थी तो जो मैदा बच जाता था ना उससे हम लोग ये मम्मी बनाती थी तो हम लोग काटने के लिए दौड़ जाते थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसकी कटिंग कर रहे हैं और इसे अच्छे से हम लोग ऐसे काट के और फिर रिफाइंड में इसको फ्राई कर देंगे, डीप फ्राई। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चाय के साथ। तो बहुत दिनों से हम लोग तो इसे नहीं खा रहे थे, पर यक्षु के पापा एक दिन ले आ दिए, तो उसने बोला कि मुझे ख़त्म हो गया, फिर उसने बोला मुझे चाहिए, तो इन्होंने बोला घर ही पे बना दो, तो घर का ज़्यादा हेल्दी भी होता है टेस्टी भी होता है। तो मैंने आज बना दिया। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ये हमारा कट चुका है, अब इसे फ्राई करेंगे और फिर दिखाते हैं आपको फ्राई करके। और फिर देखते हैं इसका कैसा कलर आता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्ट वगैरह कैसा डाला है हमने, तो चलते हैं फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम बना के और फिर यक्षु को स्कूल से लाना था, नहीं स्कूल से नहीं लाना था, नीचे से ही लाना था, इन्होंने बोला तुम भी चलो, तो बस हम लोग जा रहे हैं नीचे से यक्षु को लाने। तो ये देखिए यक्षु की वैन आ गई है और यहाँ से यक्षित
आ जाते हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम सो गए थे यक्षु, फिर बहुत रो रहे थे क्योंकि उन्हें घूमना था थोड़ा बाहर, और मैंने दीपक वगैरह जला लिया था, तो ये बोले चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं बाइक से। तो बस अब चलते हैं बाहर, यक्षु को थोड़ा सा घुमा के ले आते हैं हवा में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर, और यक्षु के चाचू थोड़ा लेट आए आज, लिए बाइक से। बहुत ही अच्छा लगता है शाम को ठंडी ठंडी हवा में। तो बस यहाँ से घूमने के बाद हम घर आएंगे, और घर आके मैंने बनाया चाय, क्योंकि आज चाय नहीं पी थी मैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मलाई निकाल रही हूँ, कौन कौन ऐसे मलाई निकालता है अपने दूध की घी बनाने के लिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली, और मैं चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे यक्षु के चाचू ऑफिस से आ गए हैं सबको चाय वगैरह देने के बाद। अभी डिनर नहीं बना है, रात का टाइम है। और यहाँ पे मैं खेल रही हूँ यक्षित के साथ टॉय, कौन कौन अपने बच्चे के साथ टॉय के साथ खेलता है, तो कौन आ गया? मैं ही खेलती हूँ इनके साथ ज्यादातर। तो यहाँ पे यक्षित बने हैं आयरन मैन, ये तो कितने सारे रूप लेके आया हमारा। फिर हम थोड़ा सा तारक मेहता देखेंगे, कैप्टन अमेरिका, थॉर। आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ओह माय गॉड, से सब्सक्राइब कर दे। अब क्या करना है? बाय बाय, मार देना इन्हें। बच्चों को भी सारे घर पे, सारे बच्चों उठो, सुबह हो गई है। सारे बच्चों को उठा दो और उनको भी दो। थान उसको घेरना है हमें, ठीक है।